खजुराहो क्षेत्र के ग्राम खरोही के ग्रामीणों ने गांव के वार्ड क्रमांक एक में बिजली का खंभा लगवाने की मांग करते हुए बीते रोज नगर परिषद सीएमओ बसंत चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल नगर परिषद अंतर्गत आने वाले ग्राम खरोही के वार्ड क्रमांक एक में बिजली के खंभे न होने के कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष गौरव सिंह बघेल के निर्देशन में अन्य कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन सौंपा। जो समस्याएं बताई गई हैं उन समस्याओं को लेकर निरंतर नगर परिषद द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। बहुत लगातार पूर्व वर्षों से ये समस्याएं रही हैं, तो समस्याएं देखें तो धीमे धीमे इनको हल भी किया जाएगा और जैसे हमारी फंडिंग की व्यवस्था होती है तो इनके कार्य तत्काल प्रभाव से कराए। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग तीन वर्ष पूर्व सौभाग्य योजना के तहत सर्वे किया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की वजह से आधे घरों तक ही बिजली पहुंच सकी, जबकि सर्वे प्रत्येक घर का हुआ था। इस मौके पर युवक कांग्रेस की नगर अध्यक्ष रवि सोनी, जिला उपाध्यक्ष टीकाराम पाल, नगर उपाध्यक्ष गणेश रकवार, भरत कुशवाहा, ब्रजेश कुशवाहा, हरप्रसाद कुशवाहा, सात पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। खजुराहो से तुलसीदास सोनी की रिपोर्ट। आज वार्ड नंबर एक खरोही के दो पुरवा हैं, जिनमें आज जब से पुरवा बने हैं विगत 10-15-20 साल हो गया है, ना तो वहाँ पे लाइट की व्यवस्था की गई है, ना वहाँ पे रोड की व्यवस्था की गई है, ना वहाँ पे नालियों की व्यवस्था की जा रही है। कम से कम वहाँ पे जितने परिवार हैं वो इस तरीके से व्यभीत हैं कि ना तो वो कहीं जा पाते हैं अपने बच्चों को छोड़ के, और ना ही कुछ कर पाते हैं, और ना ही उनके बच्चे पढ़ पाते हैं। क्योंकि अब वो तो समय रहा नहीं है कि डब्बी जला के बच्चों को पढ़ा लिया जाए या बच्चे पढ़ लें, तो बच्चों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है और साथ साथ में सरकार की नाकामियां इसमें दिख रही हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि हम हर एक गांव एक गांव घर भी है किसी गांव में अलग है तो हम उस तक भी बिजली पहुंचाएंगे, लेकिन वहां पे आज 20 साल से दो पुरवा हैं, दो पुरवा में एक किलोमीटर के आसपास भी कोई खम्मा नहीं है। अब इस स्थिति में ये देखा जाए कि जब दो पुरवा और इन लोगों के द्वारा, उन दो पुरवा के लोगों के द्वारा चार आवेदन दे चुके हैं, सांसद जी को आवेदन दे चुके हैं, इससे पहले 5 महीने पहले नगर परिषद को दिया था और 10 महीने पहले आपके बिजली विभाग में दिया था, लेकिन कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये इस कदर से भयभीत हैं कि ये कहते हैं कि यदि हम इन सब चीज़ों से परेशान होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को छोड़ करके और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे सरकार अपना नाकामी छुपा नहीं पाएगी।